मान मतवा धन संपत्ति को धर करके बैठते हैं, इसके ऊपर हमारा अधिकार है। तुमने ऐसी जुर्रत क्यों की? ये हमारी और हमारे बाप की प्रॉपर्टी है, ऐसे समझ करके चलते हैं। तो है धृतराष्ट्र की औलाद, धृत माना जबरियन धारण कर लिए दूसरों की धन संपत्ति, राज्य संपत्ति, ऐसे धृतराष्ट्र। पांडव बैगर बनकर के रहते हैं। अच्छा, ये तुम्हारी धन संपत्ति है, तुम्हारा राज्य है, सुई की नोक के बराबर भी हमको नहीं दे सकते। अच्छा, तुम्हारा ही सही, हमको भगवान चाहिए सो भगवान मिल गया, दुर्योधन को क्या चाहिए? भगवान का धन पद मान मर्तबा राज्य अधिकारी सब चाहिए, उनको एक जन्म के लिए वो मिल गया। कोई ज्ञान सरोवर के इंचार्ज बन गए, कोई भारत के इंचार्ज बन गए, कोई विदेश के इंचार्ज बन गए, कोई जर्नल इंचार्ज बन गए, कोई बड़े बड़े सेंटर के इंचार्ज बन गए, बड़ा बड़ा पद मान मर्तबा ले लिया। ये अल्पकाल का मर्तबा है, विनाशी मर्तबा है या सदाकाल का मर्तबा है? विनाशी मर्तबा है। जो पंडा बाप के बच्चे, उन्होंने कोई मर्तबा स्वीकार नहीं किया, अच्छा लेते हो तो ले लो, अपना तो तुम्हारा है ही, लेकिन हमारा भी लेना चाहते हैं तो ले लो। धन पद मान मर्तबा पत्नी बीवी बाल बच्चे सब कुछ ले लो, खुद बैगर हो करके ढूल रहे। एडवांस में आ जाते हैं, उनकी पत्नी कहती हम तो ब्रह्मा कुमारी हैं, हमको इतना बड़ा सेंटर मिला हुआ है, हमें तुम्हारा भगवान नहीं चाहिए। बच्चियां दो चार सरेंडर हैं, वो कहती हैं कि हमको तो दीदी दादियां बहुत प्यार करती हैं, हमको तो कहती हैं कल तुमको भी सेंटर इंचार्ज बनाई देंगे। तुम्हारा भगवान आया होगा, तुम अपनी गोद में रखो, हमें तुम्हारा पापूजी बापूजी, हमें तुम्हारा भगवान नहीं चाहिए, और तुम अभी हमारे बापूजी हो नहीं, हमारी दीदी दादी दादाएं वही हमारे बापूजी हैं, वो हमारे सब कुछ है। बापूजी बेचारे नाक लटका करके लौट जाते, तो अंधे की औलाद अंधों को सो जरा दिखाई नहीं पड़ता, और तुम हो सोजरे की औलाद, सोजरे।